यार गाना मुझे वाकई ही बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। ऐसे गाने आजकल बनते बहुत कम हैं। गाने की आवाज़ जिन्होंने गाया है उन्होंने बहुत अच्छे से गाया है और फुल क्रेडिट गोज टू वात्स्मिका डेफिनेटली, बिकॉज उन्होंने उस गाने को उतनी ही मोहब्बत से बनाया है जितनी मोहब्बत आपको वीडियो में दिख रही है। सो कंग्रेचुलेशन टू हर एंड सुरभि, ऑल्सो सुरभि जो उनको मैं अच्छे से जानता हूँ, एंड अपने टीजे ब्रो तरुण जिनको मैं टीजे बुलाता हूँ। सो इन लोग की मेहनत है और इस मेहनत की वजह से इतना अच्छा म्यूज़िक वीडियो बना है। बस मिल जाती मैम, आपको कैसा लगा गाना? मुझे गाना तो बहुत ही अच्छा लगा, उससे ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगा कि इन दोनों बच्चों को मैं आज 7-8 साल से जानती हूँ और इनको ग्रो करते हुए देखा, तो मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी। एक्चुअली जब हमने स्टार्ट किया था ना इंडस्ट्री में, हाँ, तो मैम और जेन्युइनली मतलब ऐसा होता था कि वी वर होम, हम घर जाते थे, मैम पराठा बना दो, आलू का पराठा खाएगी, तो इतना अच्छा लगता था ना कि मुंबई में चलो कोई है जो इतना पूछता है, ख्याल रखता है। मुंबई मैम के, मैं तो एक बार स्पेशली पराठे खाने गया था। तो मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा कि चैनल तो सभी लॉन्च करे सब, लेकिन दो बच्चों ने जो मेहनत की और यहाँ तक पहुँचे उस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा। और इतना अच्छा अच्छे से इसको बनाया है, मतलब ऐसा होता है कि चैनल लॉन्च हुआ कुछ बना के डाल दिया, बट बहुत ही अच्छे से बनाया है। मतलब वीडियो को देखने के बाद ही मैंने उनसे डायरेक्टली ये पूछा था, भाई इसका बजट कितना था? हाई बजट लग रहा है ये। अच्छा वीडियो था। पेरिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे सुरभि और जो रोहित है? मुझे ना जब मैंने गाना देखा तो मुझे वाकई स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी क्रिएट किया गया और दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी निकल के आई। एंड सुरभि हो गए, रोहित भाई हो गए, दोनों मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी, तो अच्छा लगा सब कुछ। डेफिनेटली करेंगे, ये तो अपनी फैमिली जैसी है, डेफिनेटली करेंगे। पेयरिंग की बात करें तो सिडनी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अब देखिए वो तो ट्रेंड होता रहेगा डेफिनेटली, एंड अभी मतलब सिडनी तो गया मेरा, अपनीत हम लोग भी बहुत जल्दी कोई ना कोई प्रोजेक्ट करेंगे, एंड अभी मेरा गाना भी आने वाला है डेफिनेटली, मेरा और जन्नत का, सो हमारा भी गाना आने वाला है डेफिनेटली। जब भी हमारा कोई भी प्रोजेक्ट साथ में आता है तो वो चीज़ ट्रेंड करती है, सो एंड वी आर वेरी ग्लैड फॉर दैट। हाँ अभी तो बताया मैंने कि मेरा और जन्नत का आ रहा है वल्ला वल्ला। पता नहीं आएगा तो बताएंगे डेफिनेटली। देखिए मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ, जैसे कोई प्रोजेक्ट आएगा डेफिनेटली आप लोग को बताऊंगा, बिकॉज हम लोग यू नो प्रोजेक्ट लाते ही आप लोग के। नहीं क्योंकि मैं बिग बॉस देखता नहीं हूँ और अभी मुझे मेरा घर ज़्यादा अच्छा लगता है। रिटायरमेंट के बाद विजन क्लियर है चीजों को लेके जी, स्टार्टिंग से पता घर घर में सब तू तू करके बात करेंगे, सुधार बोलेगा आप, इसकी लड़ाई होने पाएगी। मैं वही तो बोल रहा हूँ, बिग बॉस में लिटरली देख ही नहीं पाता और ना ही मैं देखता हूँ, बट वाकई मुझे एकदम टाइम नहीं मिलता बिग बॉस देखने का, इसलिए जब भी मुझे कोई क्वेश्चन पूछता है बिग बॉस से रिलेटेड तो मैं कोई जवाब नहीं दे पाता, और बिना देखे किसी की चीज़ के बारे में बोलना आई थिंक इज नॉट गुड, सो मुझे पता ही नहीं। देखिए सब्र का फल मीठा होता है, जब कुछ आएगा धमाका ही लेके आएंगे, तो डेफिनेटली फिंगर क्रॉस्ड है जल्दी कुछ अच्छा मिले, सो डेफिनेटली वो आप सबको देखने को मिलेगा। सो आई एम ऑल्सो वेटिंग। हाँ हाँ एकदम मस्त हो गया अभी तो बेचारा, मुझे बहुत बुरा लगा मेरे ही डॉगी ने मुझे काट लिया, बट तब से बेचारा बहुत उदास है, रोज़ आके मुझे सॉरी बोलता है, रोज़ आके मुझे इतना प्यार करता है, वसूली भाई मेरे। सो अभी अभी एकदम हील हो गया है, सो अभी ठीक है, अभी मैंने भी उसको माफ़ कर दिया।
हाँ जी, मैंने गाना देखा और सबसे पहले तो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम. और यार बहुत प्यारी कहानी लगी मुझे और आई थिंक ओवरऑल जो फील और जो था ना, मुझे बहुत ही लाइक गाना देखने के बाद आई जस्ट फेल रियली गुड एंड यू नो वेरी नाइसली शॉट. सुभी सुभी सो प्रिटी एंड इन लाइक ओवरऑल आई रियली रियली लव दिस सॉन्ग. आई थिंक आई रियली लाइक बोथ ऑफ देम टुगेदर. आई थिंक दे बोथ कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर रियली वेल. और गाना देखते ही मतलब यू नो पहले का दिखाया, उसके बाद का दिखाया. नो आई थिंक दे बोथ लुक रियली गुड टुगेदर. यार मेरी या ऑफकोर्स गाना अगर बहुत अच्छा लगता है मुझे एंड ओवरऑल कॉन्सेप्ट और सब कुछ एक साथ जो मिलता है और कैसा लगता है मुझे वो सुनने के बाद, एंड इफ आई रियली लाइक इट, इफ आई गेट कनेक्टेड टू इट, तो जरूर. हमेशा से आप जब भी आती हंगामा मचाती हैं. अरे यार सॉन्ग था वो भी हंगामा मचाया. आपने देखा था? देखा ना, अच्छा लगा. हाँ शूट कुछ चल रहा है आगे कोई नए सॉन्ग? यार एक दो गाने हैं जो रिलीज़ होने बाकी है, सो आई रियली होप कि वो एक्चुअली पहले ही रिलीज़ होने थे बट काफ़ी कुछ टेक्निकल चीज़ों की वजह से दे नॉट रिलीज्ड येट. बट आई रियली होप कि वो जल्दी से उनका सारा काम हो जाए एंड रिलीज हो जाए और लोगों को देखने के लिए. थैंक यू. नॉट दैट आई कैन से इट राइट नाउ, बट जैसे ही मैं कुछ कह पाऊँगी या मैं ऐसा कुछ होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी सबको. थैंक यू.